हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट या कर्ता के रूप को समझने वाले हैं, क्योंकि मैंने कई बार ट्रांसलेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपियों में कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि वो सेंटेंसेस में स्टोरी ट्रांसलेशन हो चाहे इंग्लिश स्पीकिंग में हो, कई बार मैंने उन्हें यह देखा है कि सेंटेंसेस का एक्चुअल सब्जेक्ट वो पहचान नहीं पाते हैं और दूसरे अदर सब्जेक्ट को या अदर सर्वनाम को, प्रोनाउन को वो आगे हेड सब्जेक्ट रख करके सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कर देते हैं और उनका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। तो अगर ऐसी गलतियां आप भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखते हैं और ट्रांसलेशन करना सीख जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं जिनमें हेड सब्जेक्ट को ना निकाल करके हम अदर सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं और हमारा नाउन या सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रोनाउन कुछ भी जो है वो पूरी तरीके से इनकरेक्ट हो जाता है और हमारा ट्रांसलेशन भी इनकरेक्ट हो जाता है। अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, उसने राज को कलम दी, छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी, दोनों ने भोजन बनाया, तो इन सेंटेंसेस को अगर हम देख रहे हैं तो इन सेंटेंसेस में आपको लग रहा होगा कि किसी को लग रहा है शिक्षक सब्जेक्ट है, किसी ने अंग्रेजी को समझा होगा, किसी ने पुस्तकों को, तो किसी ने भोजन को, किसी ने राज को, किसी ने उसमें। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं तो हमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इन सेंटेंसेस में अगर ने है, रे है उसने, शिक्षक ने, छात्रों ने, दोनों ने, अगर ऐसा है तो उसके पहले जो सब्जेक्ट है हमारा वही नाउन या प्रोनाउन जो भी है, संज्ञा या सर्वनाम, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा ट्रांसलेशन में इंग्लिश को सब्जेक्ट बना देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट पुस्तकों को बना लेंगे, बहुत सारे राज को बना लेंगे स्टूडेंट्स, और बहुत सारे भोजन को सब्जेक्ट के रूप में निकाल लेंगे, मगर एक्चुअल में जब हम इसका ट्रांसलेशन कर देंगे, राज गेव ए पेन टू हिम, तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये राज यहाँ पर नहीं है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस का हमें ट्रांसलेशन करना है तो हमें ये ध्यान देना है संज्ञा या सर्वनाम या नाउन या प्रोनाउन के पहले जो भी है स्टार्टिंग में है और उसके बाद अगर ने है तो हमारा सब्जेक्ट वही होगा जो स्टार्टिंग में ही है, वही है सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें क्या है, ने के पहले आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसको रखा जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब रखी जाएगी, फिर अदर वर्ड्स को रख के हमें ट्रांसलेशन कर देना है। जैसे एक पहला सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, जैसे शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो कोई भी सब्जेक्ट हमारा है ने है तो सब्जेक्ट हमारा शिक्षक ही होगा, द टीचर। किसी स्टूडेंट्स को इंग्लिश को नहीं निकालना है, इंग्लिश निकालेगा तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो शिक्षक को शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो शिक्षक है द टीचर पढ़ाई टॉट पास्ट इन्फिनिटिव टॉट द टीचर टॉट क्या पढ़ाई इंग्लिश द टीचर टॉट इंग्लिश एग्जैक्ट सिंबल है। उसने राज को कलम दी, उसने राज को, तो उसने के लिए हो गया ही या सी, तो ही गेव राज अ पेन। सेंटेंस हमारा कुछ देखने में अटपटा सा लग रहा है, अगर इसको हम चाहें तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं ठीक। तो अगर इन दोनों को हम अलग अलग करना है तो ऐसे भी इसको हम ट्रांसलेट बोल सकते हैं, लिख सकते हैं ही गेव अ पेन टू राज, तो हमारा सेंटेंस थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, मगर बिल्कुल सेंटेंस हमारा दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट सेंटेंसेस है। हमें राज को सब्जेक्ट नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना है, ने अगर आ रहा है तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमारा नाउन या प्रोनाउन है उसी ही हमें, उसको ही हमें सब्जेक्ट बनाना है। अब जैसा नेक्स्ट सेंटेंस, छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी, छात्रों ने पुस्तकें, छात्रों ने है ना, पुस्तकों को हम लोग सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे ठीक। छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी तो छात्रों द स्टूडेंट्स पढ़ी, एक पास फॉर्म वाली रेड रेड द बुक्स, एकदम सरल सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स रीड द बुक, रीड रेड रेड पॉइंट ऑफ सेंटेंस। दोनों ने भोजन बनाया, दोनों ने बहुत सारे भोजन को द कुक फूड है ना, बहुत सारे लोग बना देंगे,
तो वो दोनों बोथ करके तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दोनों ने भोजन बनाया, भोजन को का सब्जेक्ट हम लोग द फूड, ठीक, द फूड बनाया कुक्ड बोथ। अगर ऐसे हम ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं हमारा तो सेंटेंस क्या होगा, कोई तरह से गलत हो जाएगा। तो हमें हमने बताया कि हमें ने अगर आ रहा है तो उससे पहले वाला ही हमारा सब्जेक्ट होता है, तो दोनों के लिए हमें इसको नहीं कैसे ट्रांसलेट करना है, बोथ। बोथ क्या, बोथ मीन होता है दोनों, BOTH, दोनों ने, सब्जेक्ट हमारा हो गया वर्ब बनाया कुक्ड द फूड, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। इस तरह हमें सेंटेंसेस को बनाना है। अगर ऐसे ही सेंटेंस हमें कुछ मिल जाए तो उन सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट कैसे करना है, कुछ और सेंटेंस की ट्रांसलेशन प्रैक्टिस हम देखते हैं। ऐसे अगर कुछ और ट्रांसलेशन हम अगर कर रहे हैं तो इन ट्रांसलेशन में हमें यह भी जानना होगा कि हमारा सब्जेक्ट वही है कि नहीं है। यह सेंटेंस है, तुमने जूते चुराए, उसने रुपए दिए, उसने दर्पण को चेतावनी दी, लड़कियों ने नृत्य किया, तो बिल्कुल एक एक करके हम सेंटेंसेस का तुमने ने अगर है तो उसके पहले वाला ही हमारा सब्जेक्ट होता है, और वर्ब रखकर बीच में हमें वर्ब रखनी है, बाद में अदर वर्ड्स को रख के हमें ट्रांसलेट कर देना है। अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तब भी हमें यही रूल फॉलो करना है, स्पीकिंग टू अदर्स। अगर इंग्लिश हमें बोल देनी है अच्छे तरीके से तो ये ट्रांसलेशन फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, ट्रांसलेशन एक्सट्रैक्ट जितने भी हैं वो आपको वेरी बहुत ही आसानी से लर्न करने हैं, उनको अंडरस्टूड कर लेना है। कोई प्रॉपरली ग्रामर का यूज़ नहीं करना है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम ग्रामर का यूज़ नहीं करते हैं तो हमें ग्रामर इंग्लिश नहीं पढ़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल सरल सा पैटर्न है, इंग्लिश बोलने के लिए या सीखने के लिए बिल्कुल इजी पैटर्न। तुमने जूते चुराए, तुमने सिंपल सा, तुमने यू चुराए पॉस्ट, पॉइंट हम चुरा है पास, टीम की पास फॉर्म स्टोल, यू स्टोल शूज, सिंपल सा। तुमने जूते चुराए, तुमने रुपए चुराए, तुमने घड़ी चुराई, पर बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे, सही ट्रांसलेट करेंगे, बोलेंगे भी। उसने दर्पण को चेतावनी दी, उसने ही या सी, ही चेतावनी वर्ड माने वार्न, ही वार्न टू दर्पण, उसने मुझे चेतावनी दी, उसने तुम्हें चेतावनी दी, है ना, उसने मेरे मित्र को चेतावनी दी। अगर ऐसे ट्रांसलेशन है तो हमें ऐसे ही स्पीक करके, ट्रांसलेट करके दूसरे के सामने बोलना है, ही वॉन्ट टू दर्पण, ही वॉन्ट टू हिम, अदर सेंटेंसेस। उसने रुपए दिए, उसने सी या ही दिए पोस्ट, गेव रुपीज, कुछ कठिन नहीं है इसमें, बिल्कुल सरल सा पैटर्न है, बस प्रैक्टिस में लाना है। उसने रुपए दिए, ही गेव रुपीज, उसने धन दिया, उसने सोना चांदी दिया, उसने खाना दिया, कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस हैं तो हमें ऐसे ही बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस, लड़कियों ने नृत्य किया, लड़कियों ने द गर्ल्स नृत्य किया, परफॉर्म किया लड़कियों में, द गर्ल्स परफॉर्म द डांस, द गर्ल्स परफॉर्म द डांस, लड़कियों ने नृत्य किया, लड़कियों ने खेलकूद में भाग लिया। कोई भी अगर सेंटेंसेस ऐसे अगर है, उसने खो-खो प्रतियोगिता में भाग लिया, उसने क्रिकेट में भाग लिया, कोई भी ऐसे सेंटेंसेस हैं तो हमें ऐसे ही सेंटेंसेस को बोलना है। लड़कियों ने नृत्य किया, द गर्ल्स परफॉर्म द डांस। अगर ऐसे सेंटेंसेस का हमें ट्रांसलेट कर देना है तो ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है। सब्जेक्ट अगर है हमारा ने वाला तो उसके पहले कोई संज्ञा सर्वनाम है, नाउन या प्रोनाउन है, तो हमें इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। सबसे पहले हमें ने का यूज करने वाला सब्जेक्ट को देना है, तो उसके बाद और फिर अदर वर्ड्स को एक एक करके जोड़ करके दूसरे सामने बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और थोड़ा सा इससे रिलेटेड स्पीकिंग के लिए।